अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां हनुमाना नगर में सीधी रोड पर अतिक्रमण से भारी जाम से यातायात अवरुद्ध होना आम बात सी हो गई थी, जहां पर प्रशासन द्वारा बड़ी सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। तकरीबन एक वर्ष से लगातार 18 घंटे तक सीधी रोड में नो एंट्री के चलते ट्रक मालिकों एवं चालकों की लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सरकार के निर्देश पर हनुमाना के सीधी रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का बकायदा नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर लोगों को नोटिस दी गई थी। उसके बाद आज 3 तारीख को सुबह करीबन 11 बजे से अतिक्रमण हटाने की मुहिम SDM AK सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण त्यागी, SDOP नवीन दुबे, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, रेंजर नयन तिवारी, हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव, नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर तथा शाहपुर थाना प्रभारी बालकेश सिंह के साथ ही मऊगंज थाने के स्टाफ के साथ अतिक्रमण हटाने की मुहिम बुलडोजर लेकर प्रारंभ की गई, जो लगातार जारी है। कई लोगों ने यद्यपि नाली के दूरियों को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। कई पक्के मकान भी गिराए गए, जहां पर छुटपुट कहासुनी के अलावा शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही होती देखी गई है। हम लोगों ने इसको लगभग 20-25 दिन पहले प्लान किया था, सभी लोगों को नोटिस इशू करके और उनसे अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोगों ने पहले ही सूचित किया था। और जब वो नहीं हटाए थे अतिक्रमण, तो आज हम लोगों ने इसको प्लान किया था कि आज इसका अतिक्रमण हम हटाएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने पुलिस से, प्रशासन और अन्य विभागों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यद्यपि लोगों का अच्छा सहयोग रहा और कई लोगों ने तो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लिया था, कुछ जो अक्के स्वरूप के थे उसको हटाने के लिए आज हम लोग उस JCB की सहायता से उन अतिक्रमण को हटाए हैं। मैं यहाँ के नगरवासियों को और ख़ास करके जो सड़क किनारे जिनके घर एवं दुकान बने हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अतिक्रमण से बचाएं अपने आप को, अतिक्रमण न करें, क्योंकि अतिक्रमण करने से शहर की सुंदरता जहाँ ख़राब होती है, आवागमन में लोगों को बाधा उत्पन्न होती है और वहीं उनका खुद का व्यवसाय भी प्रभावित होता है। ये अतिक्रमण हटाने से पहले एक माह पहले सभी दुकानदारों को जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको नोटिस दिए गए थे, और ये 21 तारीख को एक संयुक्त मीटिंग हुई थी सभी अधिकारियों की। उसमें निश्चित किया गया था कि 3 दिसंबर से ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, और 22 तारीख से हम लगातार अनाउंसमेंट करा रहे थे अतिक्रमण हटाने के लिए। कई अतिक्रमणकारियों ने स्वतः ही आज अपना अतिक्रमण हटा लिया था, जिन्होंने नहीं हटाया उनका पुलिस बल, राजस्व विभाग और नगर परिषद के संयुक्त दल द्वारा आज अतिक्रमण हटाया गया। संदेश देखिए, भविष्य में हनुमाना का क्षेत्र का और विकास होना है, तो अभी अतिक्रमण करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे व्यापार प्रभावित होता है, ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है और इसके अलावा अन्य छोटी मोटी और वारदातें होने की संभावना रहती है। तो हमें अगर विकसित होना है और आगे बढ़ना है, तो हमें अतिक्रमण हटा के अपनी नाली, सड़क, इन बेसिक सुविधाओं को बेहतर करना है, जिसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है। यहाँ पे जिस तरीके से अभी जनता सहयोग कर रही है, भविष्य में भी ऐसा करेगी तो शीघ्र ही हनुमाना क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, ऐसा है कि हनुमाना नगर को अगर व्यवस्थित करना है तो हनुमाना नगर नहीं, मेरा घर है। घर में जब गंदगी होती है तो साफ सफाई करनी पड़ती है, तो नगर की यातायात व्यवस्था एवं व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह अतिक्रमण साफ किया जा रहा है, जिसमें किसी का घर नहीं गिराया जा रहा है, जिसमें सिर्फ नाली से नाली यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको इसका बनाया? देखिए, हमेशा किसी भी घाव को साफ करने में तकलीफ होती है, लेकिन जब घाव साफ हो जाता है, सूख जाता है, तो वह घाव बहुत आराम देता है। नगर में पिछले कई सालों से अतिक्रमण किया गया था जो साफ नहीं किया गया, जिस कारण से आसपास के गांव के लोग हनुमाना नगर में किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से बचने का प्रयास कर रहे थे। हनुमाना नगर में नो एंट्री 18 घंटे की लग रही है,
कारण सिर्फ यातायात व्यवस्था दुरुस्त न होना, जाम लगना। और जाम लगने का मुख्य कारण अतिक्रमण है। तो इन सभी चीज़ों से निजात देने के लिए अतिक्रमण साफ करने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें हमें शासन से गाइडलाइन भी मिली थी कि भाई आपके नगर की व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए आप व्यवस्थित करें। कलेक्टर का निर्देश भी हमें प्राप्त है इस संदर्भ में।